तो आपको बता दें कि 6 चरण पूरे हो चुके हैं। कल 6ठे चरण के तहत वोटिंग का सिलसिला देखने को मिला और अब जनता ने अपना जो फैसला है वो ईवीएम में कैद कर दिया, लेकिन अभी 1 चरण बाकी है। और 1 चरण के तहत 1 जून को वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही एग्जिट पोल बता दिया है। क्या कहा है उन्होंने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अब ये पक्का हो चुका है, फिर एक बार 4 जून मोदी योगी का आत्मविश्वास 6ठे चरण में ही 7वें आसमान पर है। जीत का एग्जिट पोल मोदी ने खुद जारी कर दिया। मोदी विरोधियों का रुख और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाला रुझान भी कुछ यही बता रहा है। 6ठे चरण में चीजें नजर आ रही है, उसमें साफ दिखता है कि अब सारे शहजादों का शटर गिरने वाला है। लोकसभा चुनाव के 6ठे फेज में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 58 सीटों पर वोटिंग शाम 6 बजे खत्म हो गई। हालांकि कई लोग लाइन में लगकर वोटिंग करते रहे। 5 चरणों में ही 428 सीटों पर पहले ही मतदान हो चुका था। अब 58 सीटों के साथ ये आंकड़ा 486 हो चुका है। यानी फैसला तो हार और जीत का हो चुका है कि अब सरकार में कौन आएगा। अब तो बस लड़ाई मार्जिन की है, जो 1 जून को आखिरी 56 सीटों पर वोटिंग में तय हो जाएगा। 5 चरण का परिणाम जानना है क्या? देखो भाई, 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, 310, और 6ठे और 7वें ने 400 पार कराकर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। टीम मोदी कॉन्फिडेंट है, प्रचार और उनके भाषणों में वो दिख भी रहा है। अमित शाह ने तो नंबर के जरिए बता दिया कि एनडीए इस वक्त कहां खड़ा है, लेकिन विपक्ष भी अपने दावे कर रहा है। वो 400 हार का दावा कर रहा है। देश की नजरें यूपी, बिहार और बंगाल पर सबसे ज्यादा है, जहां से नतीजों की रूपरेखा तय होगी कि कौन सत्ता में आएगा और कौन जाएगा। यूपी में बाबा के दम पर बीजेपी जीत के रथ पर सवार है और राहुल अखिलेश को पटखनी देने के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। 2 लड़कों की जोड़ी को योगी ने अनर्थकारी बता दिया, तो अखिलेश 1 और 1 11 का दावा कर 400 हार का दावा कर रहे हैं। 2 लड़कों की जोड़ी फिर अनर्थकारी जोड़ी आ गई है। ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जब भी गठबंधन किया है अनर्थ हुआ है। याद करिए, जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तभी अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, और तभी लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर भी हमला हुआ था। ये भाजपा घबराई हुई है और बौखला गई है, और जब जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है तभी इस तरह का बौखलाने में कदम उठा रहे हैं। जनता अपने सिक्स सेंस का काम करेगी। ये जो उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं, इनके जो डबल इंजन है वो आपस में टकरा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस 1 और 1 11 हैं, और इनका 1 और 1 माइनस हो गए, 0 हो गए। बीजेपी को 400 पार से रोकने का दावा करने वाला विपक्ष अपनी जीत की भी बात कर रहा है, लेकिन टीम मोदी का कहना है कि वो 272 पार पहले ही हो चुकी है। अब तो लड़ाई रिकॉर्ड बनाने की है। और टनाटन टनाटन टनाटन, बीजेपी सफाचट सफाचट सफाचट, इंडिया महागठबंधन को वोट मिल रहा है ठकाठक ठकाठक ठकाठक। जितना उछलना हो उछल लो बचवा, 4 तारीख को तो पेटकुनिये बाहर गिरोगे और पिताजी जाएंगे खनका में जा करके नवाज पढ़ेंगे, और राहुल गांधी कहीं सैर सपेटे के लिए टूरिस्ट स्थान पे जाएंगे। रिजल्ट चौंकाने वाला ही होगा। कोई बोल रहा है भाई 300 नहीं आएगा, कोई बोल रहा है 750 नहीं आएगा, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा है कि 272 नहीं आएगा, और सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए। तो ये मोदी जी ने उनको 750, 300, 500 का अंक में फंसा दिया है।
मोदी ने बताया कि क्यों उनकी सरकार को देश फिर से मौका दे। प्रधानमंत्री का दावा है कि अगर विपक्ष के लोग सत्ता में आ गए तो पीएम की कुर्सी पर म्यूजिकल चेयर रेस खेलेंगे। लोग पूछते हैं कि इंडी जमात में प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस देश को अपनी जागीर समझती है, उसे लगता है शाहजादे ही इकलौते वारिश है, लेकिन गठबंधन वाले कह रहे हैं 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनेंगे। जरा सोचिए, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, इतना बड़ा देश ऐसे चल सकता है क्या? 5 साल में 5 पीएम या फिर अगले 5 साल वही पीएम, फैसला जनता को करना है जो ईवीएम पर बटन दबा रही है। अब आखिरी चरण बचा है जिसमें वाराणसी में भी वोटिंग होगी, तो क्या तीसरी बार काशी से जीत कर मोदी एक बम्पर रिकॉर्ड बनाएंगे या फिर इंडिया अलायंस कोई कमाल कर पाएगा, यह तो 4 जून को ही नतीजों के साथ सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।